सुशांत सिंह राजपूत केस में जितनी तेजी से ड्रग एंगल का आगमन हुआ है, उतनी ही तेजी से बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे इस ड्रग नार्कोटिक्स मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे के कलाकार सभी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। भारतीय कॉमेडी इंडस्ट्री भी अब इस ड्रग नार्कोटिक्स मामले से वंचित नहीं रही है। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके चलते कॉमेडियन भारती सिंह कई दिनों से सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि भारती कई सालों तक कपिल शर्मा शो का हिस्सा रही हैं और वह इस शो में मुख्य भूमिका निभा चुकी हैं। हालांकि कपिल शर्मा ने अभी भारती सिंह की गिरफ्तारी पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी हासिल हुई है कि टीवी चैनल सोनी ने भारती सिंह को कपिल शर्मा शो से बैन करने का निर्णय लिया है। वहीं इस मामले पर अब तक सोनी एंटरटेनमेंट ने भी कोई बयान नहीं दिया है। खबरों के मुताबिक सोनी एंटरटेनमेंट कॉमेडी को क्लीन रखना चाहता है। कंपनी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले सकती। कपिल शर्मा शो एक फैमिली शो है, इसलिए भी इस शो के साथ कंपनी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, जिसके चलते व्यूवर्स को कोई भी गलत संदेश पहुंचे। कपिल शर्मा, जो कि भारती के काफी घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने भारती को बैन करने के निर्णय में अपनी असहमति जताई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारती को बैन करने का निर्णय लिया जा चुका है। ट्विटर पर भारती और कपिल शर्मा को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। फैंस भी भारती और कपिल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। वहीं कपिल शर्मा ने एक ट्रोलर के पोस्ट पर कमेंट करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा, पहले अपनी साइज की शर्ट सिलवा मोटे, हालांकि ये ट्वीट उन्होंने अब डिलीट कर दिया है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में शायद भारती सिंह का कपिल शर्मा शो में दिखना बंद हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोनी टीवी का ये फैसला कितना सही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें, और इसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।